पीएम नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में जनजातीय महासभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया पीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के शंखनाद के लिए नहीं बल्कि जनता का आभार जताने के लिए आए हैं उन्होंने आदिवासियों को देश का गौरव बताया साथ ही भरोसा दिया कि उनके सपने पूरे होंगे और कहा कि ये मोदी का संकल्प है पीएम ने तिहत्तर करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करने पहुंचे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उराव जी आदिवासी समाज का जैकेट देकर हमारा आदिवासी साफा पहना रहे स्वागत करें बोलो भारत माता की भारत माता की सभी से आग्रह जोरदार ताली बजाएं हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उराव जी आदिवासी समाज का देकर हमारा आदिवासी साफ़ा रहे स्वागत करें बोलो भारत माता की। भारत माता माता की, की। झाबुआ में पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ता को बूथ मैनेजमेंट का नया फॉर्मूला दिया पीएम ने कहा कि इस बार हर बूथ पर अगर 370 वोट ज्यादा मिलेंगे तो 370 सीटें मिलना पक्का हो जाएगा ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए करेंगे यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है लाएंगे हिसाब किताब करेंगे एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे सरकार के काम उसको बताएंगे उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे बताओगे अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए तीन वोट 370 सेवन जीरो तीन वोट आपने गुजराती में 370 कहिए कही है हाँ तीन वोट अतिरिक्त होने चाहिए अगर ये मेरे भर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भी दिया सुनिए विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं संसद में बोलने लगे हैं चौबीस में चार सौ पार चौबीस में।, चौबीस में चौबीस में फिर एक बार फिर एक बार